राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन में राज्य स्तरीय सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में हिमाचल के विभिन्न जिलों से आए विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने विचार सभी के समक्ष रखे। वहीं प्रदर्शनी में आए नन्हे वैज्ञानिकों ने स्थायी तौर पर किस तरह से देश का विकास हो सकता है उस पर आधारित बनाए गए मॉडल्स प्रस्तुत किए। इस सेमिनार में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज में विज्ञान से किस तरह विकास किया जा सकता है इस पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए। अधिक जानकारी देती हुई सहायक प्रोफेसर रीटा शर्मा ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से जहां विद्यार्थियों में एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा मिलती है, वहीं उनका सर्वांगीण विकास भी होता है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में प्रदेश भर से आए विद्यार्थियों ने भाग लिया और डिजिटल वित्तीय लेनदेन में आ रही चुनौतियों और उनके लाभ के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने स्थायी तौर पर देश का विकास कैसे हो सकता है और उसमें विज्ञान की भूमिका क्या रहनी चाहिए इस पर आधारित नवीन तकनीक के मॉडल बनाए हैं। सेमिनार के लिए जो है 13 प्रतिभागी आए थे जिन्होंने जो है अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। जो टॉपिक था सेमिनार का वो डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रॉमिसेस एंड चैलेंजेस। इसी तरह जो है एग्जीबिशन या प्रदर्शनी में जो है हमारे पूरे हिमाचल से जो है 25 प्रतिभागियों ने जो है अपने मॉडल्स जो हैं वो डिस्प्ले किए थे। जो इसका थीम था वो था इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अलग अलग जो है ज्वलंत विषयों पर सब थीम्स थे जिस पर जो है वो बच्चों ने अपने मॉडल्स बनाए थे। इन कॉम्पिटिशन्स का जो मेन मकसद होता है कि बच्चों में जो है एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना और साथ ही साथ इससे बच्चे जो है टीम में कैसे काम करना है या ग्रुप में जो है बहुत सारे माइंड्स इकट्ठे होके कैसे काम करते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, ये सब जो है इस एग्जीबिशन करवाने का जो है हमारा